पार्टी, आरएलएसपी, बहुजन समाज पार्टी और जनाब राजभर साहब की पार्टी हम तमाम ने मिलकर एक सेकुलर अलायंस फ्रंट बनाया है और हमारी कोशिश यही है कि बिहार की जनता को जो इंसाफ मिले वो बिहार की जनता जो आरजेडी के 15 साल में पिसी गई, वो बिहार की जनता जो नीतीश कुमार बीजेपी मोदी के 15 साल के शासन में जिनको बेरोजगार बना दिया गया, जिनका गरीबी उनका मुकद्दर बना दिया गया और आज ये लाइन आपसे वादा करने आया है कि आप जनाब कुशवाहा साहब को इसका चीफ मिनिस्टर बनाइए और हकीकी मानों में बिहार की जनता से इंसाफ होगा। मेरे जी दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि इस इलाके में 70% से जायद चावल की गाय मिले खत्म होकर बंद होकर रख दी गई, धान की खरीदी वक्त पर नहीं होती। इसी दरमियान में आप देखते हैं कि बिचौलिया इन मासूम किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि यहाँ से आप आरएलएसपी के और बीएसपी के कैंडिडेट को प्रत्याशी को एमएलए बनाइए। वो जो चावल की मिलें बंद पड़ी है, इंशाअल्लाह ताला उन चावल की मिलों को खोल दिया जाएगा और करप्शन का बाजार नीतीश कुमार के दौर में रूस पर है। बगैर 2000 रुपये दिए शौचालय नहीं बनता, बगैर 20,000 की रिश्वत दिए प्रधानमंत्री आवास में घर नहीं मिलता। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि करप्शन को खत्म कर देंगे और गरीबों को उनका हक दिला कर देंगे। आप ये भी जानते हैं कि आपके इस विधानसभा में बल्कि पूरे बिहार में, बिहार एक वाहिद स्टेट है पूरे देश में जहां पर एक डॉक्टर 28,000 पेशेंट को देखता है। आप अंदाजा लगाइए कि नीतीश कुमार कौन से विकास की बात करते हैं कि पूरे भारत में एक ही नंबर वन स्टेट है, प्रदेश है जहां पर एक डॉक्टर 28,000 पेशेंट को देखता है। आप देख लीजिए कि स्कूलों का इंतजाम नहीं है, स्कूल में स्कूल तो है मगर टीचर नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ के हमारे नौजवान बच्चे अपनी डिग्री को हासिल करने के लिए बिहार से दूर दूर राजस्थान जाते हैं, तो कहीं दिल्ली और मुंबई जाकर अपनी तालीम को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि जहां पर अस्पताल की बात है, क्या ये बात सच नहीं है नीतीश कुमार जी कि 18 अक्टूबर को जागरण अखबार ने एक न्यूज छापी, एक भोला छाप डॉक्टर ने हमारी एक बहन का ऑपरेशन किया तो पेट में उसके बैंडेज को छोड़ दिया। आप बताइए उसका जिम्मेदार कौन है? फिर यहाँ पर आप जानते हैं कि लाइन आर्डर का मसला, एक हमारी बहन पंचमन थी जिसको जहेज के लिए सताया गया तो उसने खुदकुशी कर ली। बबुआ में स्टोन माफिया का इतना रूज है कि फारस के ऑफिसर्स पर गोली चला दिया जाता है। आप ये भी जानते हैं कि बबुआ और दरौली स्टेट हाईवे जो उत्तर प्रदेश पर लगता है और वहीं पर कुदरा और बबुआ की रोड है, ये दोनों रोड ऐसी है ऐसा लगता है कि चांद के खड्डे भी यहाँ के खड्डों को देखकर शर्मा जाएंगे। ये हाल बिहार के विकास का है। मगर आज आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने वादा कर दिया कि मैं 1 साल के अंदर 19 लाख नौकरियां दूंगा, तो वहीं पर आरजेडी ने कह दिया कि हम 10 लाख देंगे। हम आरजेडी से, नीतीश कुमार से, मोदी से पूछना चाहते हैं कि आरजेडी को 15 साल, नीतीश कुमार, मोदी और आरजेडी को 15 साल, 30 साल, 30 साल पहले अगर कोई पैदा हुआ होगा तब तक उसकी शादी हो गई होगी, 4-5 बच्चों का बाप या बाप है।
अंदाजा लगाइए, अगर 1 लाख नौकरियां टीचर्स की खाली है, करीब 1 लाख डॉक्टर्स की नौकरियां खाली है, क्या कोई डॉक्टर टीचर की नौकरी करेगा? बीजेपी ये चाहती है कि बिहार में कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा तो बीजेपी का बनेगा। बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है नीतीश कुमार को रिटायरमेंट होम में डालने वाली है। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि मेरी इस बात को रिकॉर्ड करके बिहार की जनता तक पहुंचा दीजिए कि नरेंद्र मोदी बिहार में बीजेपी को के एक MLA को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार को, बिहार की जनता को ये मुबारक सरजमीन है। यहाँ से बड़े बड़े लोग उठे जिन्होंने भारत की जमहूरियत को मजबूत किया। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि बीजेपी से बिहार को बचा लीजिए, बीजेपी से बिहार को बचा लीजिए। नीतीश कुमार नाकाम साबित हुए, अब नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते। नीतीश कुमार रिटायरमेंट की जिंदगी, आरजेडी के 15 साल आपने देख लिया, नीतीश बीजेपी के 15 साल आपने देख लिया। अब एक बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए जनाब कुशवाहा साहब के जो कैंडिडेट्स है, BSP के जो कैंडिडेट्स है, वीरेंद्र साहब को कामयाब करिए, अमिता यादव को रामगढ़ से कामयाब करिए, सुमन देवी को मोहानिया से और जमा खान को चैनपुर से। RJD 10 लाख तो मोदी ने कहा मैं 19 लाख मोदी वो 1 लाख कॉल का पैकेज कहां गया, वो तो दे दो बिहार को। 15 लाख का वादा किया, 15 लाख है, 15 लाख नहीं आए। मैं यहां पर एक बात कहकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि 10 लाख और 19 लाख हम अपने बचपने में एक लतीफा सुनते थे। वो बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, दौलतमंद लोग थे, तो एक ने कहा कि मेरे दादा के पास इतनी जमीन थी कि नेपाल के बॉर्डर तक मेरे दादा की जमीन थी। उसने कहा उस जमीन में मेरे दादा के घर का एक कमरा इतना बड़ा था कि 2 एकड़ पर खाली कमरा था, और उसने कहा कि मेरे दादा के पास इतनी बड़ी गली थी कि अगर कोई उस गली में चला जाता तो वापस आने तक वो बूढ़ा हो जाता। तो दूसरे ने कहा इतने लंबी छोड़ी, मुझे भी लंबी छोड़ना है। उसने कहा कि मेरे दादी के पास इतना बड़ा लंबा बंबू है, अगर नेपाल में चांद दिखा तो मेरी दादी उस चांद को बंबू से जाकर मेरे घर के सामने ला। तो दादी तारों से खेलती थी। तो दूसरा छोड़ने वाला था, उसने कहा ये तो बता दे प्यारे कि तेरी दादी बंबू कहां रखती थी। तो उसने कहा कि तेरे दादा के गली में। ये क्या मजाक है बताइए आप? ये 10 लाख 19 लाख, तुम्हारे 15 साल में तुमने कितने नौकरियां दी बताओ? आरजेडी वालों नौकरी मिली तुमको? आरजेडी नौकरी दी नौजवानों को? मेरे भाई जब कुछ किसी ने कुछ नहीं दिया तो क्या तुम्हारा वोट के हकदार है? 48 तारीख को आप बड़े इत्मीनान और पूरे एतमाद के साथ सुबह निकलिए और RLSP और BSP के इस अलायंस को, जिसमें MIM भी शामिल है, इसको कामयाब करिए।